हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की क्या खास है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर एक फील्ड मैंने डाली है सीरियल नंबर, और इसे जो डेटा टाइप है मैंने ऑटो नंबर रखा है, और इसे प्राइमरी की भी बनाया है, यानी कि डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड हियर। और एंड इसके बाद मैंने यहां पर एक और फील्ड डाला है जिसका नाम मैंने दिया है नेम, यानी यहां पे नाम आएंगे और इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। और यहां से व्यू पे क्लिक करके यहां पे यस कर देता हूं। यस करने के बाद यहां पे कुछ नाम मैंने इनपुट करा दिए हैं। अब चूंकि हमें यूज करना है एक ऐसा फंक्शन जो कि रैंडमली हमें नंबर जनरेट करके देते हैं, एक्सेल में तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, लाइक रैंड मिल जाता है या रैंड बिटवीन भी मिल जाता है, तो वहां पर आप रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं। यहां पर रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए आपको एक क्वेरी बनानी है, आपके डिजाइन पे जाना है, आपको यहां पर इसको ऐड करवा दीजिए, ये जो टेबल है आपकी उसको ऐड करवा दीजिए, और दोनों ही फील्ड को चाहे तो आप ले सकते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही फील्ड हमने ले लिए हैं। अब यहां पर हमें रैंडम नंबर जनरेट कराना है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं ताकि आपको चीजें सही सही साफ साफ दिखाई पड़ेंगी बड़ी बड़ी। तो यहां पर एक फील्ड मैं बना लेता हूं, लाइक आर बना लेता हूं, और यहां पर कोलन लगा लेता हूं। और अब यहां पर मैं यूज करूंगा आर एंड डी फंक्शन, देखिएगा आर एंड डी यूज कर रहा हूं, रैंड नहीं यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसका नाम है आर एंड डी, ठीक है। और यहां से ओके कर दीजिए और यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां आप देखेंगे कि रैंडम नंबर जनरेट हो गए हैं। अब ये कॉलम छोटा पड़ गया तो इसको बड़ा कर लीजिए आप। तो यहां पे देखिए रैंडम नंबर जनरेट हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही रैंडम नंबर सब में आया हुआ है, आप देख लीजिए सब में एक ही रैंडम नंबर आया हुआ है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना होगा हमें, आइए समझ लेते हैं इसको भी। आप इससे आते हैं क्वेरी में, ये हमारी क्वेरी है, यहां से इसको डिजाइन व्यू पे ले लीजिए, और ये जो क्वेरी है इसके बीच में यहां पर आप आ जाइए। पहले तो इसे मैं जूम व्यू पे ले लेता हूं, तो ये जूम कर लिया मैंने, और यहां पर हमें एस एम यानी सीरियल नंबर रख लेना है इस तरीके से। अब आपको ये पता है कि सीरियल नंबर जो है ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, दैट्स वाई बस एक काम और रह गया है इसमें, यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इसे लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड पहले से बनाई जा चुकी है इसमें। तो यहां पर आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद आप रन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब में अब अलग अलग वैल्यूज फिल होकर आई हैं। अगर आप यहां पे कुछ और नाम दे देते हैं, लाइक यहां पे एक नाम मैं दे देता हूं सुमन, ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। अब यहां पर देखेंगे तो ये इन सबसे अलग होगी, अब हर एक सेल में आपको यूनिक वैल्यू दिखाई पड़ेगी, हर एक सेल में आपको यूनिक वैल्यू, हर एक देखिए यहां पर देखिए ये सीरियल नंबर 1 2 3, जितना भी सीरियल नंबर आप आगे बढ़ते जाएंगे, नाम आगे लिखते जाएंगे, उसमें आपको वैल्यूज यूनिकली दिखाई पड़ेंगी, यूनिक वैल्यू ही दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपके, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।